हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपनी टीयर वन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेट नंबर सिक्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन एक इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन है और इसमें सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड को अंडरलाइन किया गया है। सो के साथ अगर हम स्ट्रक्चर लगाएंगे तो हमें एक दैट के साथ एक इफेक्ट को दिखाना पड़ेगा, लेकिन इस आगे स्ट्रक्चर में दैट का स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर टू को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, अगर सो लगाएंगे सो दैट का स्ट्रक्चर होगा तो हमारे पास जो आएगा सो नाइस दैट। अगर हम इसमें एक नाउन लगा दें तो आएगा सो नाइस अ बॉय, लेकिन अगर ये सच दैट लगा दिया जाए तो आएगा सच अ नाइस बॉय। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वन में हम लोग सो लगाएं तो ये सही हो सकता था, बशर्ते कि दैट आगे दिया हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर लिखा नहीं जा सकता और इसी प्रकार से यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर वन में हम लोग आंसर थ्री लगाएंगे। एक चीज जो आपको यहाँ और दिखाई पड़ रही होगी नीचे, मैंने जो ये क्वेश्चन लगाया है द पेन वॉज सो एक्सपेंसिव दैट आई कुड नॉट बाई इट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉज को दिखाता है और दैट वाला स्ट्रक्चर जो है एक इफेक्ट को दिखाता है, राइट। कॉज इफेक्ट को दिखाने के लिए हमारे पास बिकॉज का स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, लेकिन जब मैं बिकॉज से स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक वेरी का एक प्रयोग करूंगा, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं सो से बना दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप जो नीचे लिखे हुए हैं इनका मीनिंग एक ही है और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं चेंज कर करके ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हम आंसर थ्री के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू एक स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। इसमें से हम रेमिटेंस वर्ड पहले देख चुके हैं तो इनकी हम करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। जो हमारा जो पहला वर्ड है वो रेमिनिसेंट है। रेमिनिसेंट की जो स्पेलिंग है आर ई एम आई एन ए दे दी गई है, जबकि वास्तव में ये एन आई होती है। इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं वो हम अभी देख सकते हैं। रेमिट का रेमिटेंस है, तो आपके पास ये दो वर्ड हैं, एक तो एडमिट और एक रेमिट। एडमिट का एक मीनिंग, एक नाउन जो होता है वो एडमिशन होता है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था ट्रांसमिट ट्रांसमिशन, है ना, और एक इसका नाउन जो होता है एडमिटेंस होता है। तो इनकी जो स्पेलिंग मैं लिख रहा हूँ वो आप ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, ये देखिएगा, सेम रेमिट का एक निकल कर आएगा रेमिशन और एक निकल कर आएगा रेमिटेंस। तो जैसे एडमिटेंस की स्पेलिंग लिखी है मैंने ए डी एम आई टी टी ए एन सी ई, इसी प्रकार रेमिटेंस की होगी आर ई एम आई टी टी ए एन सी ई। आप ये दो वर्ड याद रखिएगा, एडमिट और रेमिट, इनके दो नाउन बनते हैं। फर्दर मोर हमारा तीसरा वर्ड जो है वो रिमेम्बरेंस है, तो इसमें रिमेंबर आप जानते हैं रिमेंबर के लास्ट में जो है बी ई आर आता है, लेकिन जब मैं इसको नाउन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बी आर ए एन सी ई हो जाता है। ये तीन वर्ड्स की कैटेगरी है, एग्जाम्स की बहुत फेवरेट है। इसी प्रकार से एनकम्बर, जब मैं करूँगा इसका नाउन तो एनकम्बरेंस आ जाएगा और हिंडर का नाउन जो आएगा वो हिंड्रेंस आ जाएगा। तो मैं आपको ये नोट्स भेजता ही हूँ तो आप वहां पे इसको चेक कर लीजिएगा। एक ध्यान रखिएगा, एडमिट का दो नाउन बनेंगे एडमिशन एंड एडमिटेंस, और रेमिट का बनेगा रेमिशन और रेमिटेंस। इनके वोकैब में क्या डिफरेंस होंगे वो वोकैब के पार्ट में देखा जा सकता है। और रेमिनेंट की स्पेलिंग सही है, तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर वन होगा। अब हम इनके मीनिंग देख लेते हैं। रेमिटेंस अतीत की याद दिलाने वाला, ये एक बहुत रेमिनिसेंट मोमेंट है। जब मैं अपने कॉलेज के पास से निकला तो मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। हमारे पास इसी इसी मीनिंग में एक और वर्ड है इवोकेटिव, इवोकेटिव, राइट, इस मीनिंग में। और शोइंग, सेकंड मीनिंग देखिएगा, शोइंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट स्पेशली इन अ वे दैट कॉजेज यू प्लेजर। इसमें प्लेजर होता है जब आप पुरानी चीजों को करते हैं, याद करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ अ रेमिनिसेंट स्माइल, मैंने कुछ पुरानी चीजों को याद किया और मेरे चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। पुरानी चीजों को याद करना, कॉलेज के दिन याद करना, क्रिकेट खेलने को याद करना, वो होगा, राइट। रेमिटेंस, सम ऑफ मनी दैट इज सेंट, जितनी भी कंपनीज यहाँ पे इंडिया में काम कर रही हैं और उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं आउट ऑफ इंडिया हैं, तो वो अपने रेवेन्यू का 49% रेमिट करती हैं पैसा। तो जो भेजा गया पैसा होता है दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। रेमिशन का मतलब हम वोकैब के सेशन में देखेंगे। रिमेंबर का हमने देखा रिमेम्बरेंस, तो रिमेम्बरेंस का एक तो मतलब याद आया, रिमेम्बरेंस किसी की स्मृति, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग एन इवेंट इन द पास्ट और अ पर्सन हु इज डेड, किसी के बारे में याद करना। आपके घर में कोई आपके सीनियर थे या बुजुर्ग थे, उनकी यादें आ रही हैं, याद या यादें। और कई बार हम जो है एक स्टैचू बनाते हैं किसी की याद में
और उसको देखकर हम उसे याद कर लेते हैं। तो एक निशानी के रूप में भी रिमेम्बरेंस, तो हम कह सकते हैं इंडिया गेट एक रिमेम्बरेंस है उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वर्ल्ड वॉर में दे दिया। आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, द सिनोटाफ स्मारक स्टैंड्स एज अ रिमेम्बरेंस ऑफ दोज किल्ड ड्यूरिंग द वॉर। तो हम निशानी के रूप में बनाते हैं, रेमनेंट बचा हुआ भाग, अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर अदर पार्ट्स हैव बीन यूज्ड रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड। ये पेड़ है, इस पेड़ को आंधी के बाद सारा डिस्ट्रॉय हो गया है, डैमेज हो चुका है, और जो बचा हुआ भाग है वो इसका रेमनेंट कहलाता है, रिमेन्स। आपने पार्टी की और मैं आपके पास आया तो मुझे वहां पे केवल एम्प्टी पैकेजेस दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये पार्टी के रेमनेंट्स हैं, रिमेन्स हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ पर पार्टी हुई है और जिन पैकेट्स में सामान आया था वो आपने सारा खा लिया है। तो हम इस प्रकार से इसकी वोकैब देख पाए। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जो हमारा एक वॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से देखेंगे, वर बींग रिमूव, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में ये हो जाएगा वॉज या वर रिमूविंग। तो हमें वॉज रिमूविंग इसमें दिखाई पड़ता है और इसमें दिखाई पड़ता है, इन दोनों ऑप्शंस को सेफली एलिमिनेट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को हम सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों में वॉज रिमूविंग है। अब आप देखेंगे जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो द इंजर्ड है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। इजी टेक है। अब हम लोग एक नरेशन और वॉइस का भी सेट स्टार्ट कर रहे हैं, वो 1 या 2 दिन में आपको अपलोड हो जाएंगे और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप केवल इन वीडियोज को देख लेंगे तभी आपको ये नरेशन और वॉइस के डिटेल्स नुएंसेस सब पता लग जाएंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये एक पैराजम्बल क्वेश्चन है, आप इसको देखिए एक बार और स्कैनिंग करते हैं हम लोग। ये सेंटेंस जो है ए या सी से स्टार्ट होगा, राइट? तो पहले ए दिया गया है, हम पहले ए पढ़ते हैं। व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ हॉलीडे ऑफ अ लाइफ टाइम टर्न इन टू अ डेंजरस एक्सपीरियंस फॉर 1,300 पैसेंजर्स ऑन अ क्रूज शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्वे। जो 1,300 लोग गए थे क्रूज पे, ये जो इनके एक जीवन का अनुभव हो सकता था वो बहुत एक खतरनाक अनुभव में बदल गया, राइट? ए सी क्या बोलता है, द शिप ब्रोक डाउन इन रफ सीज एंड हाई सी विंड कॉज्ड इट टू रॉक हैवली फ्रॉम साइड टू साइड। जो रफ सीज होते हैं जब समुद्र में बहुत बाढ़ आती है, वहां पे शिप ब्रेक डाउन कर गया और हाई स्पीड की वजह से ये इधर उधर हिल रहा है, राइट? तो थ्योरी जो है वो तो ए में है, सी अंदर की बात है कि किस प्रकार से उनका अनुभव जो है खतरनाक हो गया। तो अगर मुझे ए और सी में मैच करना हो या कंपेयर करना हो तो मैं सी और ए, क्योंकि जनरल है, हम शुरू करेंगे कि मतलब खतरनाक कैसे हुआ, खतरनाक हो गया और बाद में बता रहे हैं खतरनाक हुआ कैसे, जब शिप जो है ब्रेक डाउन कर गया और रफ सी में वो रॉक कर रहा है इधर उधर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 और 4 को सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। कमिंग टू ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ए के बाद बी दिया है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बी में देखिएगा, द नॉर्वेजियन नॉर्वेजियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इवैक्यूएट, इन्हें डिसाइड किया कि इवैक्यूएट करेंगे। अब इवैक्यूएट करना क्या होगा, सुरक्षित बाहर निकालना, सुरक्षित बाहर कब निकालेंगे, जब कोई प्रॉब्लम होगी। तो अभी अगर मैं ए बी लगाऊंगा तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं हुई है। पहले शिप ब्रेक डाउन करेगा, फिर सरकार जो है डिसाइड करेगी कि इनको इवैक्यूएट करना है। तो क्रोनोलॉजी, कालक्रम, इवेंट जिस क्रम में हुए हैं उस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए ए बी ऑप्शन या ऑप्शन नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं। आई थिंक इजी टेक है, आप इसको पॉज कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। क्रोनोलॉजी लगी है, घटनाएं किस क्रम में हुई उसको देखना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज अ वॉइस बेस्ड क्वेश्चन। अब तक हमने जितने भी सेट किए हैं इसमें जो अधिकतर वॉइस जो आए हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस के आए हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इनको हम लोग मॉडल शुड या मे और माइट रिक्वेस्ट के केस में लेट से कर सकते हैं, या यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू से कर सकते हैं। तो शुड बी से बन सकता है, लेकिन बी के बाद सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, शोन आएगा, तो इसे हटाया जा सकता है। मस्ट का प्रयोग हम लोग करते नहीं। एंड लेट दीज विजिटर्स, अगर बी लगाएंगे तो बी के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। तो इसमें हम लोग इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर सके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर नंबर 2 है। इजी क्वेश्चन लगता है। ड्रैग करना, सिनोनिम करना, ड्रैग करना खींचना,
ठीक है, रेस्ट करना, आराम करना, रश करना, जल्दीबाजी करना। जब भी हम किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है पुश और पुल, और नो मैटर के लोगों को कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, वो हमेशा इसमें गलती करते हैं। तो जब हम पुश करते हैं तो धक्का देते हैं, पुल करते हैं तो हम लोग खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो ड्रैग में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ ही खींच रहे हैं। पुश अगर एंटोनिम होता तो इसका पुश होता, लेकिन हमें यहाँ सिनोनिम पूछा गया है तो हमारा आंसर फोर होगा। मैंने, क्योंकि बहुत डिटेल में ये वर्ड्स पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने इनका हल्का सा हिंदी अर्थ आपको दे दिया है। रेस्ट और रश रिलीवेंट है, पुश करना इसका एंटोनिम होगा, ड्रैग करेंगे तो हम खींचेंगे, तो पुल करेंगे तो हम खींचेंगे, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा एक सेंटेंस एरर क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस जब हम कंजंक्शन करते हैं या टेंस करते हैं, जहां पे हम क्लॉजेस को पढ़ते हैं, तब ये डिटेल में सीखे जा सकते हैं। इस समय वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम फ्यूचर है, और व्हेन वी विल रीच द टॉप, ये एक प्रकार का टाइम क्लॉज है। और हमारे पास दो क्लॉज है, एक टाइम क्लॉज और एक कंडीशनल क्लॉज, जिसमें कभी भी फ्यूचर का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। तो विल शैल का प्रयोग हम लोग नहीं करते, हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ तक आंसर लगाने की सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो 2 है, और यहाँ से विल को रिमूव किया जाएगा। एक चीज आपको और ध्यान से देखना, क्योंकि वेन वाला क्लॉज कई बुक्स में लिखा हुआ है, जिस भी वेन जब भी वेन से क्लॉज शुरू होगा तब ये एक टाइम क्लॉज होगा और इसमें फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा। इट मीन्स इसमें विल और शैल का प्रयोग नहीं किया जाता। आप ये दो क्वेश्चंस को एवेल्युएट करिए। इसमें जो आपको रेड में दिखाई पड़ रहा है टाइम क्लॉज है, रवि विल गो, गो के बाद अगर आपने वेन पूछा तो ये पूरा आंसर आता है। अगर वर्ब के बाद वेन लगाने से एक क्लॉज का आंसर आ रहा है तो ये टाइम क्लॉज है, और टाइम क्लॉज के अंदर आप फ्यूचर का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसमें हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे, जो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है। लेकिन आप सेकंड को देखिएगा, सेकंड में नो के बाद अगर हम वॉट लगाएं, रवि को क्या पता लगेगा, ये पता लगेगा कि हम कब आएंगे। हम वॉट का आंसर आ रहा है, जबकि ये वेन का आंसर नहीं आ रहा। तो ये एक टाइम क्लॉज नहीं है, ये एक इंट्रोगेटिव क्लॉज है। व्हाट या हुम अगर वर्ब के बाद लगाए जाएं और एक आंसर आए तो इसका एक ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में ये एक नाउन क्लॉज तो कर सकता है लेकिन टाइम क्लॉज के रूप में काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये विल करेक्ट है। अगली बार आपको क्वेश्चन दिखाई पड़े जब वैन वाला क्लॉज है, तो आप एक बार जरूर इंश्योर करिएगा कि ये टाइम क्लॉज है या इंट्रोगेटिव क्लॉज है। अगर टाइम क्लॉज है तो फ्यूचर का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर ये इंट्रोगेटिव क्लॉज है तो आप फ्यूचर का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 में ये विल सही है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 में ये गलत है, और यहाँ पर ये विल सही है। आई होप आप इसको रोक सकते हैं, देख सकते हैं। टेक अवे क्या है, हम इसको कैसे समराइज करें। वेन वाला क्लॉज हमेशा टाइम क्लॉज नहीं होगा, ये क्लॉज तभी होगा जब वर्ब के बाद वेन का आंसर दे। अगर ये वर्ब के बाद वर्ड का आंसर दे रहा है तो ये एक नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज में आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। फिलर बेस्ड क्वेश्चन है। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज टू अवर आर्म फोर्सेज, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए ये है। डिवोटेड समर्पित करना, आप अपना टाइम डिवोट करते हैं पढ़ाई में तो आप अपने टाइम को समर्पित करते हैं, टाइम को लगाते हैं। मैं इसकी वोकैब आपको एक बार दिखा देता हूँ तो आप देखिएगा। डिवोट करना, लगाना या समर्पित करना, टू यूज ऑल योर मोस्ट ऑफ योर टाइम एफर्ट एटसेट्रा इन ऑर्डर टू डू समथिंग। तो आजकल हम लोगों ने अपने आप को पढ़ाई में डिवोट किया हुआ है, राइट। इंस्क्राइब करना, टू राइट और कट वर्ड्स योर नेम एटसेट्रा ऑन टू समथिंग। ये वुड है और मैं इस पर अपना नाम लिख रहा हूँ तो मैं इसको इंस्क्राइब कर रहा हूँ। तो नेशनल वॉर मेमोरियल को लिखा तो नहीं जाएगा, नेशनल वॉर मेमोरियल को सम्मान भी नहीं किया जाएगा, का सम्मान भी नहीं होगा। सम्मान सोल्जर्स का होगा, जिन्होंने प्रेज वर्दी काम किए हैं उनको हम मेडल्स देंगे। तो उनको अगर सोल्जर्स होता तो हम सावित्री के साथ जा सकते थे। डेडिकेट भी समर्पण करना, समर्पित करना, राइट। डेवोट का आप जो मीनिंग है इसको डेडिकेट के फर्स्ट मीनिंग से देखिएगा। टू गिव अ लॉट ऑफ योर टाइम टू और एंड एफर्ट टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्पज बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। तो आज के बाद अगर आप कहते हैं आप डिवोटेड हैं किसी काम के लिए, गुड एनफ। अगर आप कहते हैं आप इसके लिए डेडिकेटेड हैं तो ये फार बेटर है,
डेडिकेटेड है, क्योंकि आप जिस चीज को अपना समय दे रहे हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक सेकेंड क्वेश्चन और भी है, सेकेंड इसका मीनिंग और भी है, टू होल्ड एन ऑफिशियल सेरेमनी, एक आधिकारिक समारोह करना, सो टू से दैट अ बिल्डिंग और एन ऑब्जेक्ट हैज अ स्पेशल पर्पज और इज स्पेशल टू द मेमोरी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो किसी एक आधिकारिक कार्यक्रम में किसी बिल्डिंग को बनाना, बनी हुई बिल्डिंग को दिखाना, इसका एक विशेष उद्देश्य है और ये किसी की स्मृति में बनाई गई है। और अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेशनल वॉर मेमोरियल है, ये एक राष्ट्रीय स्मारक है, राइट? तो डिवोटेड, अगर डेडिकेटेड ना होता, अगर डेडिकेटेड ना होता तो हम वन के साथ जा सकते थे, और इस समय हम लोग ऑप्शन नंबर फोर के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर फोर होगा। नीचे दिया हुआ है डिवोटेड और डेडिकेटेड। तो आज के बाद जब भी आप बोल रहे हैं कि हम इस कॉज के लिए डिवोटेड हैं या हम इसके लिए डेडिकेटेड हैं, तो आप में देखना पड़ेगा ये वर्ड हमेशा एक बहुत सिंसियर मीनिंग रखता है। साथ ही साथ किसी बिल्डिंग को अगर हम या स्टैच्यू को डेडिकेट कर रहे हैं तो इसके द्वारा हम उसको याद करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप बस इन क्वेश्चंस को केवल देखिए। आंसर्स मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, और जो बच्चे अभी ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हैं उनके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन एक स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। नाइन में जो हेजिटेट है इसका जो स्पेलिंग है वो HESITATE है, हेजिटेट हिचकिचाना। हेस्टी उतावला जल्दबाजी में, बहुत हेस्टी डिसीजन है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। हैजार्ड खतरा या जोखिम। हेजी अस्पष्ट धुंधला, ये जो सामने का व्यू है बहुत हेजी है, बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सप्रेशन दी गई है इस इशू के लिए, ये बहुत हेजी है। तो आपने अगर वोकैब देखे होंगे, वोकैब देखा है तो आपके पास एक वर्ड आता है ऑब्सक्योर, जो बहुत स्पष्ट नहीं है, या फिर वेग। वेग आपके पास यहाँ पर वर्ड एसोटेरिक आ सकता है, अगर आप इसे याद करना चाहें। आपके पास यहाँ पे वर्ड एनिग्मेटिक आ सकता है। तो हेजी के लिए हमारे पास बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, और जहाँ तक क्वेश्चन का सवाल है ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। हेजिटेट आप एक नॉर्मल वर्ड है जो लिखते हैं, तो यहाँ पे HA नहीं है, यहाँ पर HE है, राइट? सो इजी टेक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है। आज मेरा इंटरव्यू है एंड आई हैव बटरफ्लाइज इन द स्टमक। आज मैं पहली बार अपनी कार को लेकर जा रहा हूँ एंड आई एम हैविंग बटरफ्लाइज इन द स्टमक। तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को करने से पहले जो घबराहट होती है, जो एंग्जाइटी होती है, जो नर्वसनेस होती है, उसके लिए आता है, पेट में गुड़ 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 की आवाज़ आती है, राइट? तो बटर टू हैव बटरफ्लाइज इन द स्टमक का मतलब क्या होगा? बींग वेरी नर्वस अबाउट समथिंग। तो एक्साइटेड तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर टू होगा। एक्सप्लेन किया गया है टू हैव बटरफ्लाइज इन वन स्टमक, किसी कार्य को करने से पहले डरना, घबराना, कॉन्फिडेंस की कमी होना। एक क्वेश्चन और भी है, एक वर्ड है जो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है, वो है बटर फिंगर्स, अ पर्सन हु ऑफन ड्रॉप्स थिंग्स। हमारी क्रिकेट टीम में अगर मैं पर्टिकुलर किसी के खिलाड़ी का नाम ना लूँ, तो वो खिलाड़ी जो बार बार कैच को ड्रॉप कर देता है, जब भी कुछ सामान लेके आता है तो ड्रॉप कर देता है, तो मैं इसको कहूँगा बटर फिंगर्स है, इसकी फिंगर से बटर लगा हुआ है, इसके हाथ में कुछ रुकता नहीं है, जो भी पकड़ता है वो गिरा देता है। तो किसी वेटर के लिए आप लगा सकते हैं, आपसे कुछ चीज़ बार बार गिरती है, बुक्स गिरती हैं, तो आपके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है बटर फिंगर्स। क्वेश्चन नंबर 10 बटरफ्लाई इन द स्टमक इज एन इजी टेक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, जो एक एंटोनी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉमिक मतलब हास्यात्मक, मजाकिया, ऐसा होगा, राइट? और दुखद जो होगा वो ट्रेजिक है। तो जहाँ तक आंसर लगाने का सामान है, क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्रेजिक लगाया जा सकता है। आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, ऑकवर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एब्सर्ड को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज इजी। क्या कुछ टेक अवे है? हाँ, हमारे पास बहुत टेक अवे है। हमारे पास एक वर्ड कॉमिक है और हमारे पास एक वर्ड कॉमिकल है। कॉमिक और कॉमिकल को आप थोड़ा सा इवेल्युएट करिएगा। आपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी होंगी, तो ये रही कॉमिक्स आपकी, ये जो लिखा हुआ है अ मैगजीन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन दैट टेल्स स्टोरीज थ्रू पिक्चर्स, चाचा चौधरी आपको याद आता होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि रवि एक कॉमिक है,
रवि इज अ कॉमेडियन, रवि इज अ कॉमेडियन। तो नाउन के रूप में कॉमिक का मतलब क्या है? कॉमेडियन, या वो मैगजीन जिसमें हम एक स्टोरी को पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं और ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और कॉमिक अम्यूजिंग एंड मेकिंग यू लाफ, आपको हंसाता है, हास्यप्रद है, हंसाता है, हास्यकर है, मजाकिया है, विनोदी है। और ये मूवी बहुत ट्रेजिक है, ये बहुत दुखद मूवी है, इसका अंत जो है बहुत अच्छा नहीं है, राइट। अब हम कॉमिक और कॉमिकल में अगर डिफरेंस देखेंगे तो देखेंगे फनी और अम्यूजिंग कॉमिकल भी है, बिकॉज यू आर बींग स्ट्रेंज और अनयूजुअल ऑफन यूज व्हेन समथिंग इज नॉट इंटेंडेड टू बी फनी। कॉमिक, मेरी इंटेंशन ये है कि आप लोग हंसे, तो मैं इस प्रकार के आपको जोक सुना रहा हूँ। कॉमिकल, मैं डांस करना चाह तो रहा हूँ लेकिन मेरे डांस के स्टेप सही नहीं हो रहे हैं, तो आपको हंसी आ रही है। तो ये चीज जो है, इस केस में मैं कॉमिक नहीं हूँ, मैं कॉमिकल हूँ। कॉमिक में इंटेंशन होती है कि आपको हंसाया जाए, कॉमिकल में इंटेंशन नहीं है मेरी कि मैं आपको हंसाऊं, लेकिन मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है या जो मेरा बिहेवियर है उसकी वजह से आपको हंसी आ रही है। तो इसमें इस चीज को अंडरलाइन किया जाएगा, यूज व्हेन समथिंग इज नॉट इंटेंडेड टू बी फनी। तो आज के बाद कभी क्लोज टेस्ट या फिलर्स में ऑप्शन आते हैं कॉमिक और कॉमिकल, तो आपको एक इशू नहीं होना चाहिए। एब्सर्ड, कंप्लीटली स्टूपिड और अनरीजनेबल, रिडिकुलस एंड ल्यूडिक्रस, हास्यप्रद, बहुत बहुत मूर्खतापूर्ण है कि आप मुझसे ये कह रहे हैं कि इस सीरियस प्रॉब्लम का इलाज जो है नमक खाने से हो जाएगा। दिस इज एब्सर्ड, दिस इज अनरीजनेबल। इसके लिए मुझे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा और उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। ट्रेजिक, मेकिंग यू फील वेरी सैड, मूवीज में ट्रेजिडी देखते हैं, हीरो की डेथ हो जाती है या एक्ट्रेस जो है शी पास अवे, तो उसमें जो है बहुत ट्रेजिडी हो जाती है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो टेक अवे है वो कॉमिक और कॉमिकल है, एब्सर्ड अनरीजनेबल है, हंसी आती है, ऐसी बात कैसे हो सकती है? 20 साल का लड़का अभी जो है 3 का टेबल नहीं जानता, इट्स एब्सर्ड। दिस इज नॉट कॉमिक और कॉमिकल, ऑकवर्ड बताया था, जब आप ऑकवर्ड होते हैं तो रिलैक्स और कंफर्टेबल फील नहीं करते और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैनिफेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 टेक अवे है, नोट्स आपके पास आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक एंटोनिम बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 12 एक सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन है, एनगल्फ करना। इसमें काफी वोकैब हमारे पास है, काफी वोकैब हम लोग करने जा रहे हैं इसमें। तो एनगल्फ करना क्या होता है? ढक लेना। अभी अगर जाड़े का मौसम है, विंटर सीजन है, तो और आप अगर टॉप फ्लोर पे रहते हैं किसी बिल्डिंग के, तो आप देखेंगे पूरा जो फॉग है उसने सिटी को एनगल्फ कर लिया है, राइट। तो इसमें आंसर क्या होगा? एनगल्फ का मतलब पूरा ढक लेना, इसी प्रकार से एनवेलप का मतलब भी जो है ढक लेना होता है। आप जब एनवेलप में कोई लेटर रखते हैं तो वो लेटर जो है पूरा ढक जाता है। तो जहां तक आंसर लगाने का प्रश्न है, इसका आंसर बहुत इजीली टिक किया जा सकता है, राइट। एक बार आप इसकी वॉकैप को हिंदी में देखिएगा जरा। एंगल, ढक लेना, टू सराउंड और कवर समबडी समथिंग कंप्लीटली, ये आया आपका। और एनवेलप, इसको देखिएगा, ढक लेना, टू रैप अप समबडी समथिंग और कवर देम इट और इट कंप्लीटली, राइट। एनक्रोच, अतिक्रमण करना, आप जानते हैं कि जब आप सरकारी भूमि पर आप अनावश्यक रूप से अपना अधिकार दिखा रहे हैं, आपने अपने घर के आगे रैम बना लिया है, तो आप एनक्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इनको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। एंटेंगल करना, आपने कभी पतंग को जब उड़ाया होगा तो अगर आपकी पतंग कट जाती है तो आपके पास जो मांजा या सद्दी होती है वो उलझ जाती है, तो हम कह सकते हैं मांजा जो है एंटेंगल हो गया, बहुत तेज हवा चल रही है, बाल सारे उलझ गए हैं, एंटेंगल करना, ठीक है। तो उलझाना, तो ये इसका लिटरल मीनिंग है, उलझ जाना और कठिनाइयों में डालना। मैंने आपको इस क्वेश्चन ने आपको एंटेंगल कर दिया है, अगर आप एक कदम पीछे हटेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होगा, लेकिन आंसर आपका आ नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन ने आपको कठिनाइयों में डाल दिया है। एनश्राइन को अभी हम ढंग से देखेंगे, संजोना, स्थापित करना, प्रतिस्थापित करना, तो ये क्या वर्ड होता है, क्या इसका मीनिंग लगाया जा सकता है, वो हम आगे चेक कर रहे हैं। इस समय क्वेश्चन नंबर 12 जो एक सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन है, हम एनगल, ढकना का आंसर 3 लगा रहे हैं। एनवेलप क्लियर है। आपके पास जो पहला वर्ड था वो एनश्राइन था, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, डिटेल में नहीं गए। तो एनश्राइन को अगर आप हम देखें, श्राइन क्या होता है? श्राइन एक तीर्थ स्थान या पुण्य स्थान होता है, पुण्य स्थान होता है, ठीक है। अ प्लेस ऑफ वर्शिप हैविंग एसोसिएशन विद सम सैक्रेड थिंग और पर्सन। अगर आप अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की बात करें, तो
वो गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है और जो हमारे सिख भाई हैं उनके धार्मिक गुरुओं से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम एक श्राइन कहेंगे। ठीक है, कोई भी जगह धार्मिक है, पवित्र है और किसी पवित्र व्यक्ति या वस्तु से जुड़ी हुई है तो ये श्राइन कहलाएगा। अभी हमारे पास एक बड़ा एनवेलप आया था, एक हमारे पास एनगल्फ आया था, उसी कैटेगरी में एक वर्ड और लाएंगे, एनश्राउड, जो भी आगे है। लेकिन श्राउड अकेला जो होता है इसका मतलब क्या होता है, आप ये थोड़ा सा कफन को देखिएगा, डेड बॉडी के ऊपर जो कपड़ा चढ़ाया जाता है उसे श्राउड कहा जाता है, राइट। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक डेथ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिए हैं जो आपके पास नोट्स में आ जाएंगे। तो बियर, अर्थी, जिसपे डेड बॉडी को लटाला जाता है, रखा जाता है, और हार्स, शव वाहन, एक व्हीकल होता है जिस पर हम डेड बॉडी का जो बॉक्स होता है, जो कॉफिन होता है, या है ना, उसको रखकर ले जाते हैं। तो जो अर्थी है उसे बीर कहा जाएगा और हर्ष जो है सब वाहन होगा। और फिर आप आइएगा चिता पर, वुड हीप फॉर बर्निंग अ डेड बॉडी। अब ये क्वेश्चन हमारा शायद 18 में है जहाँ पे बीर और हर्ष दोनों दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को देखा जाएगा तो ध्यान लीजिएगा, बीर का मतलब ये होता है जो लकड़ी का फ्रेम जिस पर डेड बॉडी को रखा जाता है, और हर्ष जो है एक व्हीकल है, पायर, चिता, कॉटेज। सेकंड मीनिंग देखिएगा, शव यात्रा, जिसमें लोग राम नाम सत्य है कहकर चलते हैं, उसे कॉटेज है। लेकिन क्या इसका एक अलग मतलब है? हाँ, अलग मतलब है, राजा है धनी व्यक्ति के नौकर चाकर और साथी संगी चाकरों की मंडली है। अगर कोई हॉलीवुड का एक फेमस एक्टर जो है दिल्ली आ रहे हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे हेल्पर्स लाएंगे, या कोई एक धार्मिक व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं तो उनके साथ भी कई लोग आएंगे। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है अगर इंडिया आ रहे हैं तो उनके साथ बहुत सारे जो उनके फॉलोअर्स होंगे, जो उनके सपोर्टर्स होंगे, जो उनके सिक्योरिटी असिस्टेंट्स होंगे, वो साथ में आएंगे। तो उसको भी कॉटेज कहा जाता है। वन वर्ड का जो फेवरेट वर्ड है वो रेटिन्यू है, ये बहुत फेवरेट वर्ड रहा है वन वर्ड का, रेटिन्यू। तो रेटिन्यू मतलब सेवकों की मंडली या फॉलोअर्स की मंडली। कैटफाल्क एक डेथ से रिलेटेड वर्ड है। अगर किसी बड़े व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको पब्लिक के लिए, पब्लिक आके जो ट्रिब्यूट करना चाहती है, पे करना चाहती है, वहां पे आ सकती है। तो एक डेकोरेटेड प्लेटफॉर्म होता है, बड़ा होता है, ऑन विच द डेड बॉडी ऑफ अ फेमस पर्सन, राइट, इस प्लेस बिफोर अ फ्यूनरल, जहाँ पे सब लोग आके उनको हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, फूल चढ़ाते हैं। किसी भी बड़े व्यक्ति की अगर डेथ होगी तो जिसको जहां पर रखा जाएगा डेड बॉडी को, तो कैटफॉल्क होगा। तो हम आए तो वर्ड श्राइन पे थे, लेकिन यहाँ से श्राउड से लेके कैटफेल तक हमारे डेथ से रिलेटेड वर्ड हैं जो एसएससी के वन वर्ड के फेवरेट वर्ड्स हैं। तो आगे चलें जरा, एनश्राइन जो था वर्ड ये क्या था? एनश्राइन देखेंगे आप, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट अ लॉ, ट्रेडिशन, राइट, किसी कानून को बचा के रखना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, हमारे अधिकार हैं, सो दैट पीपल रिमेम्बर एंड रेस्पेक्ट इट। कभी आपने सुना होगा मंदिर में जो है एक मूर्ति रखी जा रही है, जो आइडोल है इसको एनश्राइन किया जा रहा है, वो एक लिटरल मीनिंग है। फिगरेटिव मीनिंग किसी संजोना, स्थापित करना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन हैं, बड़े सम्मान के साथ रखे गए हैं, और हर भारतीय का एक कर्तव्य है कि उनको रेस्पेक्ट करें, राइट। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दीज राइट्स आर एनश्राइंड इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। एनश्राइंड जो पास्ट पार्टिसिपल है, पवित्र समझकर सुरक्षित रखा हुआ, एनश्राइंड वैल्यूज, ये हमारे एनश्राइंड ट्रेडिशंस हैं। इसको हम ट्रेडिशंस को बड़ा ध्यान से, बड़ा ना केयरफुली इसको फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए पवित्र है। एनश्राउड, श्राउड कफन था, और अगर एनश्राउड कर दिया गया तो पूरा लपेट दिया गया, राइट, ओढ़ना छिपाना, देख सकते हैं। एंटेंगल हमने हिंदी में देखा था, टू मेक समबडी समथिंग बिकम कॉट और ट्विस्टेड इन समथिंग। ये जो कैट है एक नेट में एंटेंगल हो गई है, राइट, तो अब हम इसे हटाएंगे कैसे, हम इसे डिसएंटेंगल कर देंगे, कठिनाइयों में डाल देना। अगर आप एक पजल कर रहे हैं, पजल ने आपको एंटेंगल कर दिया है, ठीक है, तो आपके जो टीचर हैं, जो आपके रीजनिंग के टीचर्स हैं, वो आपको वहां से डिसएंटेंगल करेंगे। वर्ब के रूप में हमने एनवेलप देखा था, ध्यान दीजिएगा इसमें जो वर्ब है इसमें ई नहीं आता, लेकिन एनवेलोप जिसमें जिसमें की लिफाफा जिसे आप बोलते हैं, इसमें एक ई एक्स्ट्रा है, तो दोनों स्पेलिंग सही है। एनवेलप की जो स्पेलिंग है ENVELOP, ये एक वर्ब है, और एनवेलोप इसमें प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज होगा, ये एक नाउन है, बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट।
तो एक अच्छा टेक था आपका। पीछे की आपने जो वोकैब देखी ये भी काफी अच्छी थी, और ये जो वोकैब है ये भी काफी अच्छी वोकैब है। आप इसको समझिएगा और इनको आगे यूज करने के लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वन वर्ड क्वेश्चन। अ पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। आपने घर में देखा होगा दो भाई लड़ाई कर रहे हैं, तो माँ जो है आके दोनों भाइयों के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराती है। उस व्यक्ति को मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर कहा जाता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने आर्बिट्रेटर एंड कॉन्सिलिएटर के बारे में काफ़ी सुना होगा। आर्बिट्रेटर एक डिसीजन देते हैं एक डिस्प्यूट के केस में, कॉन्सिलिएटर एक सजेशन देता है जो आप फॉलो कर भी सकते हैं और फॉलो नहीं भी कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर वन होगा, आर्बिट्रेटर, राइट। वैल्यूअर, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ और ये पता करना चाहता हूँ कार कितने की बिकेगी, या मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज करनी है तो मैं किसी को बुलाऊंगा और पता करूंगा कि इसकी वैल्यू क्या है, राइट। ऑडिटर, जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ऑडिटर बहुत सुना होगा, लेकिन आज आप ऑडिटर के वो मीनिंग देखिएगा जो अभी तक आपने नहीं देखे, और ब्रोकर हम देख लेते हैं। थोड़े से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़े से सेंसिटिव हैं, तो थोड़ा ढंग से समझिएगा, मैं सारे वर्ड्स आपको दिखा देता हूँ। ऑडिटर, लेखा परीक्षक, सीएजी आपने सुना होगा, और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सुना होगा ये भाई ऑडिटर बन गए हैं। तो ऑडिटर का काम क्या होता है, ये ऑफिशियली एग्जामिन करता है बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। तो आप अगर एक ऑडिटर हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आप दूसरे ऑफिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, हर डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, राइट। सेकेंड वोकैब वन वर्ड के परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा मीनिंग है। अ पर्सन हु अटेंड्स अ कॉलेज कोर्स बट विदाउट हैविंग टू टेक एग्जाम्स एंड विदाउट रिसीविंग क्रेडिट। मैं एक ऑडिटर हूँ इस कॉलेज में, मैं एमएससी की क्लासेज को अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जाम नहीं दूंगा और मुझे कोई डिग्री नहीं मिलेगी, बस फॉर द शेक ऑफ नॉलेज मैं ये काम कर रहा हूँ। और आपने सुना होगा वर्ड ऑडिबल, अदरवाइज आप सुनते हैं स्पेक्टेटर्स या ऑडियंस। तो ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ऑडिटर जो है जो व्यक्ति सुनता है बड़ा ध्यान देकर सुनता है, ठीक है, तो उसको भी श्रोता कहा जाता है। वैल्यूअर मैंने बताया, अ पर्सन हु जॉब इज टू एस्टिमेट हाउ मच प्रॉपर्टी लैंड एटसेट्रा इज वर्थ, इसकी किस्त कितने के लायक है, कितने में बिक सकती है। दलाल, हमारे पास तीन तरह के दलाल हैं। ब्रोकर आप जानते हैं ब्रोकरेज है, मुझे अपना घर बेचना है तो मैंने एक ब्रोकर को लगाया हुआ है कि भाई अपना कस्टमर को ढूंढिए, ठीक है। अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स थिंग्स फॉर अदर पीपल, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं टीचिंग में लगा हुआ तो मैंने एक ब्रोकर को लगा रखा है। टाउट, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा बिवियर ऑफ टाउट्स। तो जो लोग किसी ट्रेन के टिकट बेचते हैं या सिनेमा हॉल के बाहर पहले टिकट बेचते थे, इनको टाउट्स कहा जाता है। वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है ग्राहक जुटाना। हमारे पास एक थोड़ा सा सेंसिटिव वर्ड है, पिम्प। एक प्रोस्टिट्यूट के लिए जो कस्टमर्स अरेंज करता है उसको पिम्प कहा जाता है। आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी बॉलीवुड की, तो उसे भंडवा करके बोलते हैं हिंदी में, जो शायद एक बहुत कॉमन वर्ड नहीं है। ये जो वेश्याओं के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए कस्टमर्स अरेंज करता है, राइट। तो ये तीन वर्ड जो है, ब्रोकर, टाउट एंड पिम्प, ये दलाल के लिए आते हैं, लेकिन इनके हिंदी अर्थ के साथ आप कन्फ्यूज मत करिएगा, इनके मीनिंग बहुत अलग है। आप पिम्प को टाउट नहीं कह सकते, टाउट को ब्रोकर नहीं कह सकते, एंड वैसा वर्सा। एक्चुअरी, अ पर्सन हु जॉब इज टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपकी एज 20 ईयर्स है तो आपका प्रीमियम कम होगा, मेरी एज अगर 40 है तो मेरा प्रीमियम ज़्यादा होगा, मेरी कार नई है इसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। तो आखिर ये डिसाइड कौन करता है? तो वह व्यक्ति जो ये डिसाइड करता है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होना चाहिए, को एक्चुअरी कहा जाता है। सारे वर्ड देख लीजिएगा, आर्बिट्रेटर है, आंसर निकालना आसान है अगर आपने पिछले वन वर्ड किए हैं। वैल्यूअर क्लियर हो गया, ऑडिटर के हमने डिफरेंट मीनिंग्स देखे, और ब्रोकर दलाल हिंदी अर्थ है, और दो दलाल हमने टाउट और पिम्प और देखा। एक्चुअली एक एक्स्ट्रा वर्ड था यहाँ पे, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस एरर क्वेश्चन है, नो नो एरर का ऑप्शन नहीं है। तो स्टार्ट करें, द रिवर यमुना, सिंगुलर नंबर हैज, एस बी ए सही है, मैनी के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है। स्पेसीज को हम लोग, जो वर्ड है नाउन के टॉपिक में आपको सिखाया जा सकता है, स्पेसीज को स्पेसी नहीं लिखा जाता। आप चाहें तो इसको स्पेसीज लिखिए, तब सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, मैनी लिखेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। मतलब मैं कहना जो चाह रहा हूँ वो ये है, अगर मैं लिखता हूँ आ स्पेसीज,
तो ये इज आएगा, राइट। अगर मैं लिखता हूँ मैनी स्पेसीज तो ये आर आएगा। इसका कोई प्लूरल नंबर नहीं होता, ये इसी फॉर्म में रहता है और इसी में ये सिंगल प्लूरल को फॉर्म करता है। तो सही है, ये तो सही है। लाइक गोल्ड फिश, गोल्ड फिश जो है प्रेप के बाद आया हुआ है, प्रेप का ऑब्जेक्ट है, राइट। दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम, जो इसके इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। तो कई नॉन नेटिव स्पेसीज हैं जो यमुना में नहीं पाई जाती हैं और जो इसके इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही हैं, राइट। तो प्रभावित कौन कर रहा है? क्या गोल्डफिश प्रभावित कर रही है? अगर नहीं, केवल गोल्डफिश प्रभावित नहीं कर सकती, केवल एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो जो प्रभावित कर रहे हैं वो कई स्पेसीज हैं, और स्पेसीज खुद में एक सिंगुलर नंबर भी है, लेकिन क्योंकि ये मैनी के साथ आया है तो हम इसको प्लूरल नंबर मानेंगे, ये प्लूरल नंबर माना जाएगा। और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो दैट है, और दैट किसके लिए आया है? मैनी स्पेसीज के लिए आया है। इसलिए हम इज के जगह पर आर का प्रयोग करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर टू होगा। थोड़ा सा मैंने आपको स्पेसीज समझाया, और इस केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन है गोल्ड फिश से तो अटैच्ड है, लेकिन ये इसका एंटीसीडेंट नहीं है। अफेक्ट केवल गोल्ड फिश नहीं कर रही है, ये मैनी नॉन नेटिव स्पीसीज कर रही हैं। आई होप ये आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 एक फिलर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका आंसर हम पहले इसकी वोकैब चेक कर लेंगे, फिर हम इसके बात करेंगे, ठीक है। आप इन द मीन टाइम इसका आंसर अपने आप निकालने का प्रयास करिए। अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन द कॉलोनी एंड काव्या वॉज विनर इन द एज ग्रुप 3 to 5 years, राइट। वोकैब देखते हैं पहले इसका। डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, पब्लिसाइज करना, किसी चीज को एडवर्टीज करना, किसी चीज का प्रचार करना, सपोज कर लेना, एज्यूम कर लेना, मान लेना, और डिक्लेयर करना, घोषणा कर देना। तो जहां तक आंसर का सवाल है वो मैं 4 के साथ जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा वोकैब को देखूंगा। आपने आज तक अगर आपसे किसी से पूछा जाए कि डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि डिस्क्राइब का मतलब सर किसी के बारे में वर्णन करना होता है। इसके आप सेकंड मीनिंग को देखिएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस के फिलर्स देख रहे हैं या फिर बैंक पीओ के फिलर्स देख रहे हैं, तो जो फिलर्स में जो मीनिंग आ रहे हैं वो सेकेंड या थर्ड वाले आ रहे हैं, तो देखना जरूरी है। वर्णन करना, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। विशेष, सेकेंड मीनिंग, डिस्क्राइब करना, विशेष आकृति या आकार बनाना, टू फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप। हम 8 लड़के हैं, 8 लोग हैं, और आपको हम पीट रहे हैं, पीटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हमने एक घेरे में ले लिया है, और हम चल चल रहे, मूव कर रहे हैं, और हमने आपके आसपास जो है सर्किल बना लिया है, राइट। तो वी हैव डिस्क्राइब्ड अ सर्किल अराउंड यू, और फिर अभी हम आप पे हमला कर देंगे, राइट। द शार्क डिस्क्राइब अ सर्किल, शार्क डेफिनेटली वर्णन नहीं करेगी सर्किल का, तो एक आकृति बनाना। द रोड डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग लूप अराउंड द टाउन, तो ये टाउन है और रोड जो है ये एक रास्ता निकालती है, तो रोड डिस्क्राइब कर रही है, विशेष आकृति बना रही है। पब्लिसाइज करना, प्रचार करना, राइट। चुनाव होते हैं तो बहुत पब्लिसिटी, चुनाव का पब्लिसिटी हो रही है, तो उसी का ये वर्ब है, टू मेक समथिंग नोन टू पब्लिक, टू एडवर्टीज समथिंग। कुछ लोग किसी अलग प्रकार की हरकतें करते हैं, कुछ लोग कंट्रोवर्शियल मार्क्स देते हैं जिससे उसको पब्लिसिटी मिले। तो पब्लिसाइज वर्ड हमारे पास था, तो पब्लिश कर लेते हैं। ये बुक को पब्लिश किया जा रहा है, ये मैगजीन पब्लिश की जा रही है, प्रकाशित करना, सिंपल मीनिंग है। अभी जो डेटा आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसको क्या करेंगे? पब्लिसाइज करेंगे या पब्लिश किया जाएगा? क्योंकि पब्लिसाइज करना तो प्रचार करना होता है, तो इसलिए इसका एक सेकेंड मतलब है सार्वजनिक करना। सार्वजनिक करना, टू मेक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नोन टू द पब्लिक। गवर्नमेंट ने नए डेटा को रिलीज कर दिया है, राइट। दिस रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश, इसका मतलब ये नहीं प्रकाशित की गई है, ये जनता के सामने बता दी गई कि हमारे पास हमारी जो जीडीपी है या जो भी हमारा डेटा है वो हमें पता है। रिलीज करना, डेटा रिलीज हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। डिक्लेयर करना, बहुत सारे मीनिंग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। एसएससी ने एग्जाम की डेट को डिक्लेयर कर दिया है। सार्वजनिक या आधिकारिक घोषणा करना, जब आप इस रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां भी घोषणा होती है, लेकिन उसे अनाउंस करना कहते हैं, बोल करके घोषणा करना, अनाउंस करना, लेकिन आधिकारिक रूप से या सार्वजनिक रूप से कुछ कहना, डिक्लेयर करना। निश्चय पूर्वक कहना, टू से समथिंग फर्मली एंड क्लियरली। आप यहाँ पे वर्ड एजर्ट कर लिख सकते हैं,
हेजिटेट करना, बहुत दृढ़ता से कहना, हाँ आई डिक्लेयर कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। आप थ्री और फोर का मतलब हिंदी मतलब बताना दिखाई पड़ रहे हैं, इसका शायद सही हिंदी अर्थ मुझे नहीं मिल पाया तो मैंने ही लिखा, लेकिन जब हम ITR फाइल करते हैं तो हम अपनी इनकम इनकम डिक्लेयर करते हैं। अगर आप दुबई से इंडिया आ रहे हैं तो वहाँ पे जो कस्टम्स अथॉरिटी है तो उनको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप यहाँ से कितना गोल्ड ले जा रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज ले जा रहे हैं। तो इन दोनों का मतलब बताना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स को अपनी आय के ओर डिक्लेयर करना, या आप जब एयरपोर्ट पे प्लेन बोर्ड करने वाले हैं तो आपको अपनी जो प्रॉपर्टी जो आप पैसे ले जा रहे हैं, करेंसी ले जा रहे हैं, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। अगर आपका क्रिकेट का शौक है तो पारी डिक्लेयर कर देना, टू डिसाइड टू एंड योर इनिंग्स बिफोर ऑल योर प्लेयर्स हैव बैटेड। बचपन में तो लड़ाई होती थी खेलने पे कि नहीं हमारी बैटिंग नहीं आई तो हम फील्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा टेस्ट मैच में चार लोगों ने ही 6 रन बना दिए तो अब बाकी के बैट्समैन को बैटिंग नहीं करनी है, और कैप्टन का डिस्क्रिशन है, कैप्टन टीम को डिक्लेयर कर सकता है, राइट। तो आधिकारिक घोषणा करना, दो फिजल वर्ब और ध्यान कर लीजिएगा, डिक्लेयर अगेंस्ट समबडी समथिंग, किसी के सार्वजनिक रूप से विरोध करना, और डिक्लेयर फॉर समबडी समथिंग, सार्वजनिक रूप से समर्थन करना। जो भी नई पॉलिसी है तो अपोजिशन डिक्लेयर अगेंस्ट इट, एंड द ट्रेजरी बेंच द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स फॉर इट, इसके फेवर में होती है। तो इनको याद जरूर करिएगा, और डिक्लेयर का जो डिफरेंट मीनिंग है, डिस्क्राइब की मीनिंग देखे, आपने पब्लिसाइज देखा, आपने पब्लिश देखा, इनको जानना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। तो जब काव्या को घोषित किया गया होगा विनर, है ना, सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई होगी, तो इसकी इसका आलोचना इसका पब्लिसाइज मतलब प्रचार नहीं किया गया होगा, अनुमान नहीं लगाया होगा, डिस्क्राइब वर्णन नहीं किया गया होगा, एक विशेष प्रकार की आकृति नहीं बनाई होगी, डिक्लेयर आधिकारिक घोषणा करना। आप सारी वोकैब को देख लीजिएगा, हर वोकैब का जो वर्ड है किसी और फिलर में आंसर हो सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गैदर करना, गैदर का एंटोनिम पूछा गया है, गैदर करना इकट्ठा करना, और अलग अलग करने के लिए क्या वर्ड आएगा, डिस्पर्स कर देना, डिस्पर्स कर देना। अभी हम क्लास हो रही है तो सब लोग गैदर हुए हैं, क्लास खत्म हो जाएगी तो हम लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। तो जरा आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने सारी वोकैब PPT फॉर्म में लिख दी है, जो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये आपके पास होगा। गैदर करना, एकत्रित होना, साथ साथ आना, आज हमारे भाई का बर्थडे है तो हम सारे फैमिली मेंबर जो हैं गैदर हो रहे हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं तो हमने सारे नोट्स गैदर कर लिया है, एंड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो चार पांच फैमिलीज हैं जो इस इवेंट से अफेक्टेड हैं तो मैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। डिस्पर्स, छितरा देना, तितर बितर करना, टू मूव अपार्ट एंड गो अवे इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो गैदर का जो एंटोनिम है वो वन है। कंसंट्रेट करना, ध्यान लगाना, डिस्ट्रैक्ट करना, ध्यान भंग करना, डाइवर्ट करना। तो आज के जो यंग जनरेशन है, फोन इनको डिस्ट्रैक्ट करता है, टीवी इनको डिस्ट्रैक्ट करता है, डाइवर्ट कर देता है। डिस्प्यूट आप जानते हैं, विवाद, तर्क वितर्क करना, अगर नाउन के रूप में लेंगे डिस्प्यूट तो इस चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो ये है, एंड इस पर विवाद है। अगर हम डिस्प्यूट कर रहे हैं तो किसी चीज पर डिस्प्यूट कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है। एंड सेकंड देखिएगा, टू आर्ग्यू और डिसएग्री स्ट्रांगली विद समथिंग अबाउट समथिंग, स्पेशली अबाउट हु ओन समथिंग। तो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट आपने बहुत सुने होंगे, तो आखिर है किसकी प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट करते हैं। गैदर हो गया, डिस्पर्स हो गया, डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्ले होना, एग्जिबिट करना। आप शॉप पे जाते हैं तो देर आर थिंग्स विच आर डिस्प्लेड, रखा जाता है ताकि कस्टमर्स उनको देखें, अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ और उनको परचेज कर लें। तो टू पुट समथिंग इन अ प्लेस वेयर पीपल कैन सी इट इजली, एग्जिबिट इसका सिनोनिम है, इसके साथ लग गया है लेकिन इसका सिनोनिम है। कंप्यूटर में आप देख रहे हैं सब कुछ कंप्यूटर पे चल रहा है, टू शो इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। क्वेश्चन इजी है और वोकैब को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक इम्प्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग हम पहले भी कर चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव आएगा, तो अफर्मेटिव ये भी है, ये नेगेटिव नहीं आ सकता, और डिडेंट है तो इसी हेल्पिंग वर्ब मोडल से बनेगा, और जो मोडल या हेल्पिंग वर्ब मेन सेंटेंस में यूज की जाएगी वही क्वेश्चन टैग में आएगी। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का 17 का जो आंसर है वो वन होगा, इजी टेक है।
क्लोज टेस्ट पे आइएगा। एक रीड कर सकते हैं आप इसको, मैं आपके लिए बहुत जल्दी पढ़ देता हूँ इसको और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैनेडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया, इट्स पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 26 मिलियन। 3 गुना तो है भारत से आकार में, लेकिन जो इसकी पॉपुलेशन है वो 26 मिलियन से 26 मिलियन है। द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में केवल 3 लोग रह रहे हैं कैनेडा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली, पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, बहुत ज़्यादा है। नियरली 80% ऑफ द पीपल इन अ नैरो बेल्ट लेस देन 300 किलोमीटर्स वाइड अलोंग द सदर्न बॉर्डर। जो कनाडा के 80% लोग हैं वो 300 किलोमीटर की जगह में रहते हैं। द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज अ वेरी स्पेयर्स पॉपुलेशन। स्पेयर्स हम वर्ड पहले कर चुके हैं, छितरा हुआ, नॉट डेंस, है ना, ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड, बहुत ठंडा है इसलिए वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कैनेडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया, और जो क्वेश्चन नंबर 18 में हमको ऑप्शन दिए गए हैं वो कंजंक्शंस हैं, तो बट लगाएंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। अगर ये 3 गुना बड़ा है तो इसका पॉपुलेशन भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन उतना बड़ा नहीं है। कॉज इफेक्ट नहीं बन रहा है, कॉज इफेक्ट नहीं बन रहा है, सो के बाद इफेक्ट आता है, बिकॉज के साथ कॉज आता है, हम कई बार बात कर चुके हैं। अंटिल से हम एक टाइम क्लॉज बनाते हैं, कोई टाइम क्लॉज नहीं बन रहा। तो क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में कॉन्ट्रडिक्शन है इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर वन या बट होगा। राइट, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 19th। द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर कैनेडा। तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता, आपकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी है, ऑलवेज रिमेनिंग सेम। क्वांटिटी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, द टाइम इन विच समथिंग हैपन्स, या द टाइम कितनी बार ये चीज़ होती है, ये फ्रीक्वेंसी। ये ट्रेन जो है यहाँ पे हफ्ते में 4 बार आती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स इन अ वीक है। और डेंसिटी, घनत्व, तो जनसंख्या के जो केस में वर्ड आता है पॉपुलेशन, डेंसिटी आता है। तो 19th में जो हमारा आंसर होगा वो 4 होगा, डेंसिटी आएगा। राइट, और कनाडा बड़ी जगह है तो वहाँ पर इन आ जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो हमारा 18 इज बट, 19 इज 4 एंड 20 इज 3। क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली, बहुत ऐसा है। रफ मतलब एक रूड बिहेव करने वाला व्यक्ति, या रफ कोई स्किन है तो बहुत खुरदरी है, कपड़ा रफ है तो वो आएगा। अनइवन, असमान, डिफरिंग नहीं, डिफरेंट, डिफरिंग डिफर करने वाला, जब प्रेजेंट पार्ट्स में पहले ही बात कर चुके हैं जहाँ पे हमारे पास वर्ड डिफरेंट, डिफरेंशियल और डिफर्ड आया था। राइट, और डिफर करने का मतलब क्या होता है, कि अलग अलग होना, मेरे व्यूज आपके व्यूज से डिफर करते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग होने वाला नहीं है। इनफ्रीक्वेंट एक ट्रैवलर के लिए आ सकता है, जो कभी कभी आता है, ये बस सर्विस बहुत इनफ्रिक्वेंट है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन आती तो वैसे तो है 2 घंटे बाद, आएगी नहीं आएगी, इनफ्रिक्वेंट है। तो अनइवन है, असमान है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 2 होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 22 को जब आप देखेंगे, ये वोकैबुलरी क्वेश्चन है। नियरली 80% ऑफ द पीपल इन अ नैरो बेल्ट लेस देन 300 किलोमीटर वाइड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सरवाइव करने का मतलब क्या होता है, सरवाइव करना, किसी दुर्घटना में जीवित बचे रहना। तो इस एक्सीडेंट में 5 लोग थे और 2 सरवाइव कर गए और 3 पैरिश कर गए। तो किसी टू कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट डिस्पाइट अ डेंजरस इवेंट और टाइम। तो इस केस में जो इसका अपोजिट है वो पैरिश है। डाई आप वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर वर्ड जो है पैरिश है। सेकेंड की मृत्यु के बाद जीवित रहना, एक व्यक्ति की डेथ हो गई एंड द फैमिली इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं, की मृत्यु का जीवित रहना, आउटलिव, किसी से ज्यादा जीना। शी सर्वाइव्ड हर हस्बैंड बाय 10 ईयर्स, अपने पति की मृत्यु के बाद ये 10 साल और रही। तो सर्वाइव करना, कठिन परिस्थितियों में जीना। कठिन परिस्थितियों में कौन जी रहा है, जो 300 किलोमीटर में है या 300 किलोमीटर के अलावा है, द रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि वहां पे एक्सेसिव कोल्ड है तो शायद ये सर्वाइव कर रहे होंगे, लेकिन जो 300 किलोमीटर्स का एरिया है वहाँ सरवाइव करने वाली कोई बात नहीं है। सबसिस्ट, किसी प्रकार गुजर बसर करना, तो किसी प्रकार जो गुजर बसर कर रहे हैं वो 300 किलोमीटर वाले एरिया के नहीं है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज अ वेरी स्पेयर्स पॉपुलेशन ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड। तो अगर हमारी लास्ट लाइन में वर्ड आते तो हम वर्ड सबसिस्ट के साथ जाते। रिमेन करना, बने रहना। रवि रिमेन साइलेंट, इसका मतलब क्या था,
जैसा पहले था वैसा अभी भी है, ठीक है। तो ही रिमेंड अ बैचलर, मतलब जिस समय की हम बात कर रहे हैं उससे पहले भी बैचलर था और बाद में भी बैचलर रहा थ्रू आउट हिज लाइफ, ही डिड नॉट मैरी। तो रिमेन करना सेम स्थिति को दिखाने के लिए है, सर्वाइव करना किसी बुरे अनुभव या बुरे समय के बाद बचे रहना, सबसे किसी प्रकार गुजर बसर करना, आपने सुना होगा टू कीप द हर्थ बर्निंग, किसी प्रकार गुजर बसर कर रहे हैं सर, ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं, कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं है। तो नॉर्मल है जो 300 किलोमीटर्स के एरिया में रह रहे हैं वो लोग तो आसानी से रह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, 22 का आंसर 3 होगा, 21 हम लोगों ने 2 मार्क किया है। तो ये क्लोज टेस्ट आप देख लीजिए, फिलर्स के साथ है, और जैसा कि हर क्लास में कहा जाता है ये बेटर है, जरूरी है कि आप एक क्लोज टेस्ट को फिल करने के बाद और पीक्यूआरएस को अरेंज करने के बाद जरूर चेक करें। आप इसको क्लोज पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ईडीएम बेस्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स आप जानते हैं जंगल, जंगल से बाहर निकल के आ गए भैया, खतरे से बाहर आ गए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पहले पढ़ा हुआ नहीं है और आप एक इंटेलिजेंट गेस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आउट ऑफ द वुड्स आएगा। आउट ऑफ द वुड्स का जो आंसर होगा नो लॉन्गर इन ट्रबल, राइट, जो समस्याओं से मुक्त है, समस्याओं में नहीं है, आपका सिलेक्शन हो गया, नाउ यू आर आउट ऑफ द वुड्स। अब आपको कोई अनएम्प्लॉयड नहीं कहेगा, अब आपको आपके नाम से जाना जाएगा, नाउ यू आर आउट ऑफ द वुड्स, इजी टेक है। क्वेश्चन नंबर 24 एक जंबल बेस्ड क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने 2 सेट अपलोड किए हैं और काफी सेट अब आने वाले हैं। तो इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, ये जो है हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, तो ये तो स्टार्ट नहीं कर सकता, कंट्री का नाम आगे दिया हुआ है, स्कैनिंग से पता कर सकते हैं। इट स्ट्रेचेज, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं बी ऑप्शन में दिया नहीं है तो बी को हमें देखना नहीं है। तो जाना कहाँ पे है, या तो फिर डी जाना है या फिर सी जाना है। तो 24 क्वेश्चन या तो सी से है या फिर डी से है। सी पहले दिया हुआ है, द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई, एंड ये इंडिया कैसा देश है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। जनरल टू स्पेसिफिक चलेंगे तो हम पहले बताएंगे इंडिया कैसा कंट्री है, हम ये नहीं बताएंगे कि इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं एंड इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, राइट। तो सी जो है ओपनिंग नहीं कर पाएगा। द यूएसए इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जनरल, और ये कैसे कैसे बना हुआ है वो देखा जा सकता है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, तो ये बी की बात हो गई, इसमें 58 है एंड इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो भी आंसर है वो ऑप्शन जो है ये डी से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 एक इजी टेक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। आपके पास नेस्ट है, घोषणा पढ़ा होगा, क्लच की जब बात करते हैं तो कार में क्लच होता है, आपकी बाइक में क्लच होता है, जिसे आप दबा के रखते हैं तो गियर चेंज कर लेते हैं। ऑफ स्प्रिंग संतानों के लिए आता है, और ब्रूड वर्ब के रूप में, किसी चीज पर ध्यान देना, चिंतन करना, लेकिन हम यहाँ पर नाउन के रूप में देख रहे हैं। आंसर 25 का ब्रूड है, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। ऑफ स्प्रिंग में जो सबसे जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इसका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर रिमेन सेम, एक ही रहता है। तो अ चाइल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और कपल, ये इनकी संतान है, मिस्टर गुप्ता की संतान है, ऑफ स्प्रिंग है। एंड किसी एनिमल और प्लांट का भी, जो कोई छोटा बच्चा है या छोटा प्लांट है, उसको भी ऑफ स्प्रिंग कहा जाएगा। क्लच, उस वाले क्लच से दूर आ जाइए जो आप बाइक या कार में यूज करते हैं। अंडों से निकले हुए बच्चे या अंडों का समूह, तो मुर्गी के कई अंडे हैं, उससे जो बच्चे निकले हुए हैं उसको कहा जाएगा क्लच। क्लच भी एक आंसर हो सकता था। अ ग्रुप ऑफ एग्स दैट अ बर्ड लेज एट वन टाइम, या द यंग बर्ड्स दैट कम आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एग्स एट द सेम टाइम, जो ग्रुप अंडे से सारे बच्चे निकलते हैं उनको क्लच कहा जाता है। एक अलग चीज मैंने लिख दी है, टू क्लच एट स्ट्रॉज, क्लच का एक मतलब कसके पकड़ना भी होता है, तो तिनके का सहारा लेना। जब आप बहुत बहुत कठिन परिस्थिति में है तो छोटे बच्चे से भी सहायता ले सकते हैं, और इसके लिए इडियम आता है वो है टू क्लच एट स्ट्रॉज, तिनको का सहारा लेना। नेस्ट घोषणा है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं समूह की, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स दैट आर मेड टू फिट इनसाइड ईच अदर, अ नेस्ट ऑफ टेबल्स। आपने बच्चों के खिलौने देखे होंगे जो आपस में दूसरे में फिट हो जाते हैं, या चेयर्स आती हैं एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाती हैं, ठीक है।
एक दूसरे में फिट हो जाती हैं, तो उन चीजों के लिए आता है जो एक साथ फिट हो जाती हैं। ब्रूट खानदान देखिए या बच्चे देखिए, ऑल द यंग बर्ड्स और क्रिएचर्स दैट अ मदर प्रोड्यूसेज एट वन टाइम, ठीक है, जिसी को हम क्लच कह सकते हैं, लेकिन क्लच का मतलब एक जो है अंडों से निकले हुए सारे बच्चे, अंडों के समूह को भी कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा आंसर फोर होगा। आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। इसके साथ हमारा ये सेट्स कम्स टू एन एंड, और आई होप कि आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा वीडियो दिए जाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारी कम्युनिटी को बढ़ाना होगा, और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन थोड़े से बढ़ाइए इसके, और हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो इस पर कमेंट्स भी करिए।